मेयर साहब आए थे, उन्होंने बोला कि हम एक महीने की सैलरी देंगे। तो एक महीने की सैलरी देंगे, यदि वो 3 महीने पहले ना अनाउंस करते तो यहीं पर एक हम लोग का आप समझौता हो जाता, उसके अनुसार से हम स्ट्राइक कॉल ऑफ का उपयोग कर देते। अब यहाँ से चले गए एक महीने के देंगे, बाद में बोलते नहीं 3 महीने का रिलीज करेंगे। तो हमने उसके लिए एक जीवीएम बुलाई है, जनरल बॉडी मीटिंग में डिसाइड होगा कि आगे क्या करना है, इसे ये परमानेंट सोल्यूशन उसका निकाले। कोई तो कमेटी बनाए जो ये देखे कि क्या मामला है, क्यों कम पैसे पड़ रहे हैं हर महीने। ये 5-6 साल से जब से वो बना है तब से चलते आ रहा है। इस बार स्थिति दूसरी ये केवल है, अंतर केवल ये है कि पहले एक महीने का तो हमेशा ड्यू रहा है, इस बार एक तरफ तो आप कोरोना वॉरियर बोल रहे हो, कोविड हॉस्पिटल बना दिया, नहीं भी कोविड हॉस्पिटल है, कौन सा पेशेंट कोविड है नॉन कोविड है, सबका इलाज किया जा रहा है, यहाँ रिस्क डेली है, घर वाले अलग रहते हैं हम लोग से, जाओ नहाओ ये करो वो करो, इतना प्रिकॉशंस लेकर चलना पड़ रहा है, खतरे में है, जिस समय सारी दुनिया बैठी उसमें ड्यूटी पर हम लोग आए। अब कह दो डॉक्टर का कोई वही नहीं है, कोरोना वॉरियर नहीं, कोरोना कोविड का ही जो पेशेंट का इलाज कर रहा है वही कोरोना वॉरियर होगा केवल, और जो नॉन कोविड का इलाज कर रहा है उसको क्या पता कौन सा पेशेंट कोविड का है कौन सा नॉन कोविड का है। तो उन्होंने जो बेरुखी की है डॉक्टरों के साथ, ये सबसे गलत पार्ट है इसका, उनको उन्होंने केवल नाम नाम का ढिंढोरा पीट दिया, कोई प्रायोरिटी नहीं रखी, कहीं अपना नहीं बनाया कि हाँ क्या मैनेजमेंट हमारा होगा, कैसे किसको प्रायोरिटी पर सैलरी दी जाए। कोरोना वॉरियर में कोई डॉक्टर ही नहीं है, सिस्टर भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं जो लगे हुए हैं, वो भी तो मरीज को खींच के ले जा रहा है, ट्रॉली खींच के कौन ले जा रहा है, डॉक्टर तो ले नहीं जा रहा, सब पर खतरा है, सबको दीजिए आप। डॉक्टरों के भी उन्होंने 3 महीना का रिलीज कर दिया, अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है अकाउंट में, बट आ ही जाएगा, जैसा लोग बता रहे हैं कि चला गया सैलरी। आगे का कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा हम इसके अनुसार डिसाइड करें, जीबीएम हमारा होने वाला। हम हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, इसका डिसीजन लिया गया क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, प्रदर्शन से सुनवाई नहीं हो रही थी, तो आउट ऑफ डेस्परेशन हमें कदम उठाना पड़ा। किसी भी सभ्य समाज में अच्छा नहीं लगता कि अपनी बहुत जायज सी बात के लिए डायलॉग शुरू करने के लिए आपको सेल्फ वॉयलेंस इन्फ्लिक्ट करना पड़े, ये बहुत ही दुखद बात है। अब क्या है कि हमारी मांग ये थी कि हमारे सारे ड्यूज पे किए जाए और प्रॉमिस की जाए, एक ऑफिशियल ऑर्डर दिया जाए जिसमें लिखा हुआ कि इस रेगुलराइजेशन हो जाएगा सैलरी का, किसी महीने की एक पर्टिकुलर तारीख पे हमेशा मिल जाया करेगी सैलरी। देखिए जब तक ये दोनों डिमांड पूरी नहीं होती हमारा हंगर स्ट्राइक नहीं टूटेगा, क्योंकि हम बार बार ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमें पढ़ाई का वक्त बहुत कीमती होता है जो इस इंस्टीट्यूट में हो सकती है। 2 साल में से अगर हम यही करते रहे तो हमारे जो स्किल लेवल है, जो देश को जो हम दे सकते हैं, वो बहुत कम हो जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।